गाइस अगेन वेलकम बैक टू मिस क्रिएटिव। तो अभी का टाइम है 11:39 AM। हम लोग विजयवाड़ा टोल क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी NH16 पकड़ के राजामुंद्री की तरफ बढ़ रहे। तो आज का हम लोग का डेस्टिनेशन है विशाखापत्तनम। हम लोग आज का जर्नी स्टार्ट किए थे तिरुपति से, फिर अर्ली मॉर्निंग ड्राइव था हम लोग का एंड देन आज शाम को पहुँच जाएंगे वाइजैग। तो वहाँ पर होटल ऑलरेडी बुकड है। तो अभी का हम लोग का एग्जैक्ट लोकेशन है आत्माकूर। थोड़ी देर में ना आगे चलकर कुंजनापल्ली आएगा, उसके बाद फिर कृष्णा रिवर क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाएंगे मेन वाइजैग सिटी पे। सो 15 किलोमीटर्स पे ही है बेंसिर फ्लाईओवर। गूगल मैप पे शो कर रहा कि विशाखापत्तनम है और 384 किलोमीटर्स, मतलब कि और 7 आवर्स का ड्राइव बाकी है। सुबह से हम लोग का ऑलरेडी 8 आवर्स का ड्राइव हो चुका है। तो इस साइड ना एक मोटर बाइकर पूरा राइडिंग गियर पहन के लॉन्ग रोड ट्रिप पे निकले हैं। अभी जो स्ट्रेच हम लोग कवर कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जगह पे मुझे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए दिखे, तो नाइट ड्राइव यहाँ पे पॉसिबल है, ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। प्लस ये पूरा 4-way लेन है और बीच में ना डिवाइडर्स पे आप लोग देख सकते हो ट्रीज प्लांटेड है, जिससे कि आँख में हेडलाइट नहीं पड़ेगा नाइट ड्राइव में। NH16 के जस्ट बगल में डीमार्ट भी है, तो यहाँ जाने के लिए ना आपको सर्विस लेन लेना होगा एंड इस डीमार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन है कुंचनापल्ली और तड़ेपल्ली के जस्ट सेंटर में। सो कोई भी अगर अर्जेंट आइटम चाहिए होगा ना तो यहीं से मिल जाएगा। सामने और 3.1 किलोमीटर्स पे ही ना हम लोग कृष्णा रिवर क्रॉस करेंगे। बस 7 मिनट लगेगा यहाँ से, क्योंकि रोड पर उतना कुछ खास ट्रैफिक नहीं है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा रिवर। ब्रिज के ऊपर का रास्ता का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, गड्ढे वगैरह आपको मिलेंगे रास्ते में एंड यस स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हैदराबाद जाने के लिए ना कृष्णा रिवर क्रॉस करते ही ना आपको ये वाला लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये NH65 वाला रूट है, ये टिल हैदराबाद पूरा जाती है एंड अभी जस्ट साइन बोर्ड पे लिखा था कि विजयवाड़ा लिमिट स्टार्ट्स, दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड विजयवाड़ा। सामने जाके 3.4 किलोमीटर्स पे ही हम लोग अब लेंगे बेंस सर्कुलर फ्लाईओवर। मीटर्स पे ही सामने है बेंस सर्कुलर फ्लाईओवर। तो यहाँ पे ना बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लेन लेना है। सो चलिए मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ।
विशाखापट्टनम है और 355 किलोमीटर्स और राजामुंद्री है 160 किलोमीटर्स। सो यहाँ से हम लोग फ्लाईओवर का रास्ता लेंगे स्ट्रेट, एंड जो नीचे वाला रास्ता है ना वो गुदीवड़ा या फिर मछलीपट्टनम को जाती है, और ये जो स्ट्रेट रास्ता है ना ये एलोडू होके फिर राजामुंद्री होके विशाखापट्टनम पे जाके कनेक्ट करती है। सो अभी हम लोग फंस गए हैं जैम में, एंड अभी का टाइम है ऑलमोस्ट 12 बज रहे। सो पिछले बार जब कोलकाता टू बैंगलोर वाला रोड ट्रिप किए थे ना, विजयवाड़ा हम लोग 12 बजे ही पहुंचे थे, एंड ये देखिए मैप में रूट पूरा रेड है, मतलब आगे पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। लेट्स सी कि कितने बजे जैम से निकलते हैं। वैसे तो पहले से ही पता था कि विजयवाड़ा में ट्रैफिक में तो फंसेंगे ही। तो विजयवाड़ा सिटी लिमिट यहीं तक है। विजयवाड़ा क्रॉस करते ही आपको रोड्स थोड़ा सा कंजेस्टेड मिलेगा, क्योंकि राइट में पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो अभी हम लोग NH16 को पकड़ के ही एलेरू क्रॉस करते हुए राजामुंद्री तक पहुंचेंगे। राजामुंद्री का डिस्टेंस अभी भी है 162 किलोमीटर्स यहाँ से, तो लगभग 3 आवर्स का टाइम लगने वाला है। सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहीं से एक बार टैंक फुल करवा लेते हैं। आंध्रा में पेट्रोल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल का प्राइस है 101.53 रुपीज़ पर लीटर, एंड जब हम लोग कर्नाटका से पेट्रोल भरवाए थे तब वहाँ का प्राइस था 101.94 रुपीज़ पर लीटर। सो इस रोड ट्रिप में हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आंध्र प्रदेश में ही कवर करेंगे, एंड यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस थोड़ा हाई है। सो जैसे ही आप लोग ओडिशा एंटर करोगे तो पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा सिटी क्रॉस करने के बाद ना रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड था, 2-way lane था वहाँ पे, एंड जैसे ही आप लोग गन्नावरम क्रॉस करते हो ना फिर से आपको 6-way lane मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पोतीपाड़ू, एंड सामने 500 मीटर्स पे ही ना टोल गेट है। लेट्स सी कि यहाँ पे कितना टोल चार्ज करता है। सो हम लोग पहुंच गए और एक टोल प्लाजा में, एंड कोलकाता यहाँ से है और 1223 किलोमीटर्स। अभी जो पोतीपाड़ू टोल प्लाजा क्रॉस किए वहाँ का टोल चार्ज कटा है 65 रुपीज़। तो रोड का कंडीशन तो आप लोग देख सकते हो, पूरा 6-way lane है। तो देखते हैं कितना जल्दी हम लोग टाइम मेकअप करके विशाखापट्टनम एंटर कर पाते हैं।
सो गाइज अभी बज रहे हैं 1:45, 5 आवर्स का ड्राइव बाकी है। तो इस रूट पे ना बहुत सारे आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, लेकिन वो सबको एक्सेस करने के लिए आपको सर्विस लेन लेना होगा। सो कभी भी फ्रेशन अप होने का मन करे या पेट्रोल रिफ्यूल करवाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स आपको मिल जाएंगे। हाईवे पे थोड़ा थोड़ा जगह के बाद ना आपको रेस्ट एरिया भी मिलेंगे। थोड़ा सा रोड एक्सटेंडेड है, वहाँ पे आप लोग रेस्ट वगैरह ले सकते हो कार को साइड में पार्क करके। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हनुमान जंक्शन, और सामने 22 किलोमीटर्स के बाद ही ना आएगा एलुरु। सो यहाँ से लेफ्ट वाला रूट बोमलुरु की तरफ जाती है और सीधा 1 किलोमीटर पे ही आएगा और एक टोल प्लाज़ा। तो अभी हम लोग पहुँच गए कालापरू टोल प्लाज़ा। हनुमान जंक्शन क्रॉस करने के बाद ये टोल प्लाज़ा पड़ेगा। कालापरू टोल प्लाज़ा में टोल चार्ज कटा 70 रुपीज़, एंड सामने बोर्ड पे लिखा है राजामुंद्री है और 111 किलोमीटर्स, और एलुरु है मोर 10 किलोमीटर्स। सो अभी तक इतना दिन हम लोग ड्राइव किए तो रास्ते में कुछ ज़्यादा खास डाइवर्जन्स नहीं है, रोड्स एकदम प्लेन है, तो हम लोग काफ़ी ड्राइव को एंजॉय कर रहे। ये लेफ्ट वाला रास्ता एलुरु सिटी की तरफ जाती है, हम लोग बाईपास होके निकल रहे, सीधा राजामुंद्री पहुँचेंगे यहाँ से। ये जो पूरा लंबा रोड ट्रिप है बैंगलोर टू कोलकाता ना, एक बार अगर NH16 पकड़ लेते हो ना, देन डेफिनेटली आपको रोड्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और यही NH16 ना एकदम कोलकाता में जाके बेलगोरिया एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। अभी तक इतना आवर्स का ड्राइव हो गया है, तो सबसे ज़्यादा ख़राब स्ट्रेच तिरुपति से ना नायडूपेटा तक का था।
उस साइड वाला रोड आपको पूरा सिंगल लेन मिलेगा एंड वो पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी उसके बाद अगर आप लोग NH16 पकड़ लेते हो ना तो ड्राइव पूरा स्मूथ है। राजा महेंद्रवरम और है 96 किलोमीटर्स पे, तो ये ना ऑफिशियल नेम है राजा मुंद्री का एंड राजा मुंद्री को कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। NH16 का स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर एंड आपको जगह जगह पे स्पीड मीटर्स भी लगे हुए मिलेंगे, तो स्पीड को कंट्रोल रखते ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड कभी कभार आप लोग जैसे सिटी से क्रॉस करते हो या फिर कोई ट्रैफिक मर्ज होता है या फिर इंटरसेक्शन जंक्शन पॉइंट वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ का स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर। 277 किलोमीटर्स है और विशाखापट्टनम एंड 4 hours 58 minutes लगेगा, तो थोड़ा मेकअप किया है टाइम 6:22 PM में हम लोग पहुंच जाएंगे होटल। सो सामने ना कुछ कनाल या फिर रिवर टाइप का है तो नेम नहीं शो कर रहा है मैप पे एंड यहाँ से राजामुंद्री का डिस्टेंस है और 61 किलोमीटर्स। हम लोग का एग्जैक्ट लोकेशन है, हम लोग अनंतापल्ली क्रॉस करने वाले हैं। सामने कोलकाता का माइलस्टोन है, उस पर लिखा था कि कोलकाता है और 1108 किलोमीटर्स और राजामुंद्री है 54 किलोमीटर्स। सो बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जैसे नल्ला जेल्ला फिर काबुलुरु, तो उनको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और हम लोग सीधा ले लिए विशाखापट्टनम की तरफ।
सामने और एक टोल प्लाजा है। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि कौन सा टोल गेट पे पहुंचे हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं वीरावली टोल प्लाजा। सो लेट्स सी कि यहाँ का टोल चार्ज कितना कटता है। तो अभी जस्ट मोबाइल में मैसेज आया, यहाँ का टोल चार्ज कटा है 155 रुपीज़। तो यहाँ का टोल काफ़ी एक्सपेंसिव है। सिक्स वे लेन पे चलते चलते ना यहाँ पे थोड़ा सा रूट हम लोग को टू वे लेन मिला है, लेकिन यहाँ से फिर से सिक्स वे लेन स्टार्ट है। सो गाइज हम लोग पहुँच गए कोपूर टोल प्लाज़ा, और यहाँ से गोदावरी रिवर पहुँचने में हम लोग को जस्ट 5 मिनट लगेगा। सो गाइज फाइनली वी आर गोइंग टू क्रॉस गोदावरी रिवर, और कोपूर टोल प्लाज़ा में टोल चार्ज लगा 71 रुपीज़। तो अभी जिस ब्रिज पे हम लोग जा रहे हैं ये है 4th ब्रिज ऑन गोदावरी रिवर।
मैंने इस वीडियो के थ्रू माइन्यूट डिटेल्स शेयर किए हैं ऑन रोड कंडीशंस, टोल चार्जेस। अगर आप लोग भी कोई रोड ट्रिप प्लान करते हो देन इस वीडियो के हेल्प से आपको भी आइडिया हो जाएगा रोड्स देखकर कि नाइट ड्राइव किन रोड्स पे पॉसिबल है, एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।